सो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी A71 डिवाइस में One UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। सो गाइज ये अपडेट का ना आप लोगों को फाइल साइज कितना देखने के लिए मिला है एंड इसी के साथ में हम बात करेंगे कि One UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला है, करेंगे इसका फुल रिव्यू। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि अभी जो ये अपडेट देखने के लिए मिला है ना, तो ये अपडेट को आप लोग को डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि सैमसंग गैलेक्सी A51 डिवाइस में जो One UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिला था, तो उस अपडेट में काफी सारे बग एंड इशू देखने के लिए मिला था। सो गाइस और यहां पे सैमसंग गैलेक्सी A71 डिवाइस में भी One UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस आप लोग को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप भी हैं सैमसंग गैलेक्सी A71 डिवाइस के यूजर्स, तो आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फाइनली सैमसंग गैलेक्सी A71 डिवाइस में One UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर बात करें इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में, तो ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 2359 MB देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पे फाइल साइज आप लोग को 2GB प्लस में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यार आप लोग को मालूम होगा कि One UI 4.1 एंड एंड्रॉइड 12 तो अपडेट एक साथ में देखने के लिए मिला है, इसी वजह से यार फाइल साइज आप लोग को ज्यादा लंबा देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें यार कि ये अपडेट को आप लोग को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वैसे आप लोग को बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी A51 डिवाइस में जो One UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिला था, तो उस अपडेट में ना यार काफ़ी सारे बग एंड इशू देखने के लिए मिला था। सो गाइज हो सकता है कि मे बी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें भी बग देखने के लिए मिल सकता है मे बी, तो इसी वजह से यार रुक जाओ, अभी कुछ यूजर्स अपडेट कर लेंगे, उसके बाद यार रिव्यू आएगा, तो गाइज उसके बाद आप लोग अपडेट करना अगर कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो। सो गाइज अगर आप अपडेट करने में इंटरेस्टेड है तो यार आप अपडेट भी कर सकते हो, सकता है कि ये अपडेट बग फ्री अपडेट होगा, क्योंकि ये जो अपडेट देखने के लिए मिला है वो स्टेबल अपडेट है। एंड गाइस इसी वजह से अगर आप चाहे तो आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यार आप अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो वेट भी कर लो, हो सकता है कि अगर कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए में भी मिल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A51 डिवाइस में जो ये अपडेट देखने के लिए मिला था, तो उस अपडेट में बग एंड इशू देखने के लिए मिला था। अगर बात करें कि इस अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ नई फीचर्स देखने के लिए मिला है, तो सबसे पहले इस अपडेट में आप लोगों को यार अप्रैल 2022 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद गाइस आपके डिवाइस में ना जो भी One UI 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला था, वो गाइस सारा का सारा फीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस ये अपडेट में ना ये काफी बेटर अपडेट है एंड काफी ज्यादा न्यू फीचर्स के साथ ये अपडेट देखने के लिए मिला है। सो गाइस अगर आप अपडेट को अपडेट करने में इंटरेस्टेड है तो यार आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा देर और वेट कर सकते तो यार वेट कर लो, रिव्यू आप देख लेना कि अपडेट कैसा है, तब उसके बाद यार अपने डिवाइस को अपडेट करना। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना, इसी के साथ में ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।